हेलो दोस्तों, मैं हूँ असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप। आज हम लोग सोल्जर जीडी, ग्राउंड ड्यूटी या फिर जवान या सिपाही, ये इंडियन आर्मी की जो रैंक रहती है, और सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, जिनको कांस्टेबल बोला जाता है, वो जो रैंक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप। आई एम सर्विंग असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। मेरा रैंक इक्वेलेंट टू कैप्टन है इंडियन आर्मी में। यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2012 में से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और 2014 में मैंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, और अभी मेरा प्रमोशन डिप्टी कमांडेंट करके होने वाला है। मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए 3 बुक्स भी लिखे हैं मैग्रो हिल पब्लिकेशन के लिए, और मैं पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ सीडीएस पुणे और दिल्ली दोनों का डायरेक्टर भी हूँ। और मेरे यहाँ से पिछले साल 2018 में 109 से ज्यादा असिस्टेंट कमांडेंट, जो डायरेक्ट एंट्री रहता है, ऑफिसर एंट्री रहता है, इसमें सिलेक्शन हो चुके हैं। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस और एमए साइकोलॉजी। ये मैं हूँ। इंडियन आर्मी, जैसे कि आप जानते हो, इंडियन आर्मी इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में 2 नंबर का सबसे बड़ा आर्मी है, और ये इंडियन आर्म फोर्सेस का ग्राउंड में, लैंड में जो ऑपरेट करता है, उसका स्पेशलिस्ट ब्रांच है ये। दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेंट है ये इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है देश की सुरक्षा करना, देश का यूनिटी, एकता मेंटेन करना, देश को बाहरी दुश्मनों से बचाना, थ्रेट से बचाना, और पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना इंडियन बॉर्डर्स के अंदर, एंड आल्सो रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर हाईजैकिंग होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये सब कंडक्ट करना, और नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर से प्रोटेक्शन करना, और ये ऑपरेशंस करना। इंडियन आर्मी में करियर कैसे कैसे रहता है, इसके एक झलक। रिपब्लिक डे परेड में मार्चिंग करते हुए इंडियन आर्मी के कमांडोज, इंडियन आर्मी के जवान्स, सिख रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडोज, इसमें सबसे ज्यादा जो रहते हैं वो है कमांडोज में जवान रहते हैं, इंडियन आर्मी के जवान। इंडियन आर्मी के जो रैंक्स है, इसमें ऑफिसर लेवल के रैंक शुरू हो जाते हैं लेफ्टिनेंट से, और अदर रैंक्स जो रहते हैं वो सिपाही से शुरू हो जाते हैं। सिपाही को सोल्जर भी बोलते हैं, या फिर सोल्जर जीडी भी बोलते हैं, ग्राउंड ड्यूटी सोल्जर बोलते हैं। ये सिपाही जो रैंक है, इसके शोल्डर पे कोई बैच नहीं आता, सिर्फ इंडियन आर्मी लिखा हुआ आएगा अगर इंडियन आर्मी में ज्वाइन होता है तो। इसके बाद इनका प्रमोशन लांस नाइक करके होता है, और फिर इनका प्रमोशन नाइक करके होता है, फिर हवलदार करके होता है, फिर क्वार्टर मास्टर हवलदार करके, फिर नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। ये नॉन कमीशन ऑफिसर्स के रैंक है, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये नॉन कमीशन ऑफिसर्स के रैंक है, उनमें उनका प्रमोशन होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये जो फोर्सेस है, दे डू एवरीथिंग अंडर द सन रिक्वायर्ड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। ये बॉर्डर गार्डिंग करने से लेके सब कुछ काम करते हैं। ये आर्मी का और पुलिस का, दोनों का ड्यूटी करते हैं। इलेक्शन कंडक्ट कराना, नक्सलाइट से लड़ना, इंसर्जेंट से लड़ना, बॉर्डर गार्ड करना, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इंडिया नेपाल बॉर्डर हो गया, इंडिया भूटान भूटान बॉर्डर हो गया, इंडिया म्यांमार बॉर्डर हो गया, इंडिया चाइना बॉर्डर हो गया, या फिर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इसकी गार्ड, इसकी प्रोटेक्शन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस करते हैं। बीएसएफ वगैरह, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं। ये माओवादी से भी लड़ते हैं, नक्सलाइट से भी लड़ते हैं, ये इंसर्जेंट से भी लड़ते हैं, और स्मूथली इलेक्शंस भी कंडक्ट कराते हैं, और इसके साथ साथ जहां पे भी रायट्स होते हैं या फिर कम्युनल वायलेंस होता है, दंगली जब होती है, रिलीजियस वायलेंस होता है, वहां पे भी ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं। इनमें भी जवान लेवल में भर्ती होता है। ये जो देख सकते हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो जवान है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में ये जवान है सभी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिपब्लिक डे परेड पे मार्च करते हुए। ये कोबरा कमांडोज है सीआरपीएफ के, ये जवान है। इसमें जो रैंकिंग स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, जवान है, इनमें जवानों को कांस्टेबल बोला जाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो जवान है,
जो सिपाही है उनको कांस्टेबल बोला जाता है। इनका प्रमोशन बाद में सीनियर कांस्टेबल होता है, बाद में इनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल होता है, और हेड कांस्टेबल के बाद इनका प्रमोशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर करके भी हो सकता है। तो इनके जो प्रमोशन है ये सब नॉन कमीशन रैंक है, कॉन्स्टेबलरी लेवल से ये स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टेबल को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो कांस्टेबल है उनको आर्मी में जवान या फिर सिपाही बोला जाता है। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सिपाही है, जवान है, ये ताजमहल की रक्षा करते हुए बैकग्राउंड में आप देख सकते हो। ये जो सोल्जर्स रहते हैं, ये जवान रहते हैं, इनका ड्यूटी क्या रहता है, दे डू मेनी थिंग्स फ्रॉम शूटिंग एनिमीज, दुश्मनों से लड़ना, डिफेंसिव ट्रेंचेस को खोदना, अपने देश की सुरक्षा करना, दूसरे देश के आर्मी के ऊपर अटैक करना, और हमेशा फिजिकली और मेंटली फिट रहना, हमेशा साथ में काम करना, टीम में काम करना, और जो भी आपके जो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, जो भी देश ने उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना, ये उनका जिम्मेदारी रहता है, ये उनका ड्यूटी रहता है। वो हमेशा ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। टेक्निकली ट्रेडिशनली देर आर सिक्स ब्रांचेस ऑफ सर्विस इन आर्मी। एक इन्फेंट्री रहता है जिसमें फुट सोल्जर्स रहते हैं जो राइफल से लड़ाई करते हैं और लाइट वेपन से लड़ाई करते हैं। कैवलरी रहता है, वो माउंटेड सोल्जर्स रहते हैं। आज के जो टैंक्स हैं इनको कैवलरी बोला जाता है, अब आज के जो कैवलरी मैन है वो टैंकर्स है। आर्टिलरी रहता है जो कैनन्स, होविजर और मोर्टर्स, बम जो दागते हैं, फायर सप्लाई देते हैं, फायर सपोर्ट देते हैं इन्फेंट्री को, उनको आर्टिलरी बोला जाता है। मिलिट्री इंजीनियर्स ये सोल्जर है जो चीजों को बिल्ड करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं या डिमोलिश करते हैं, एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं, वो मिलिट्री इंजीनियर्स है। सिग्नल कोर्स ये जो जवान है वो कम्युनिकेशंस में रेडियो ऑपरेटर्स, रडार ऑपरेटर्स और सिग्नलिंग में काम करते हैं। और लॉजिस्टिक्स में जो सप्लाई फूड होगा, फ्यूल होगा, एम्यूनिशन मतलब गोलियां है, मेडिसिन से उनका सप्लाई करते हैं। ये जो सिक्स ब्रांचेस है इसमें सभी यहाँ पे जवान काम करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में काम करते हैं। इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है सबसे छोटे लेवल का जो स्ट्रक्चर रहता है सेक्शन रहता है, सेक्शन में 10 से 12 जवान रहते हैं जिनका लीडर रहता है नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार। तो आप जब जवान के प्रमोशन हवलदार करके होते हो तो आप सेक्शन को लीड करते हो। सेक्शन 3 से 4 सेक्शन मिलकर एक प्लाटून बनता है। ये प्लाटून का जो लीडर रहता है एक याद इधर इट इज लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट नाम का एक रैंक ऑफिसर रहता है या फिर कैप्टन रहता है, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर रहता है। उसके बाद 2-3 सेक्शंस का, 3-4 सेक्शंस का जो प्लाटून रहता है, 2-4 प्लाटून मिलके एक कंपनी बनता है जिसका कंपनी कमांडर जो रहता है मेजर या फिर कैप्टन रहता है। ऐसे 900 जवान जो है उनका मिलके एक बटालियन रहता है, एंड द बटालियन जो है उसका जो हेड रहता है कमांडिंग ऑफिसर इज अ कर्नल लेवल ऑफिसर या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में इनको कमांडेंट बोला जाता है। ये कर्नल या कमांडेंट एक इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स है, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट करके काम करते हैं। दे आर द कमांडिंग ऑफिसर्स और ही इज द चीफ बॉस इमीडिएट लेवल पे, ठीक है। ये जवान आप देख सकते हो स्नाइपिंग का भी काम करते हैं, स्नाइपर्स भी जवान ही रहते हैं इंडियन आर्मी के जवान, इंडियन आर्मी के जवान ट्रेनिंग करते हुए, इंडियन आर्मी के जवान। ये मेडिकल कोर के हैं जैसे कि आप उनके सर के ऊपर जो सिंबल देख सकते हो। ये मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हूँ। अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए, एफकैट के लिए हम लोग अनअकेडमी पे लाइव पढ़ाते हैं, एनडीए के लिए लाइव पढ़ाते हैं। जो भी अगर इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी, एयरफोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपको करियर करना है तो यहाँ पे हम लोग लाइव कोर्सेस पढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे कोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर हमारे कोर्सेस में आप एनरोल करना चाहते हो तो सीएपीएफ एफकैट सीरीज कैटेगरी को एनरोल कर दीजिए प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं भी लाइव पढ़ाता हूँ बाकी के एजुकेटर्स के साथ। इसमें आप प्रशांत YT10 ये अगर रेफरल कोड यूज करोगे, आप कोई भी अनअकैडमी पे कोर्स ज्वाइन करते हो और प्रशांत YT10 ये अगर रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको सभी जगह पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।